चौथे चरण के मतदान को लेकर शाहजहांपुर में आज बरेली मंडल के कमिश्नर और पुलिस उप महानिदेशक ने पोलिंग पार्टी रवाना होने के लिए बनाए गए स्थल का जायजा लिया। यहां पहुंचकर दोनों अधिकारियों ने स्थल का जायजा लेने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को विशेष दिशा निर्देश दिए। दरअसल यहां के फैक्ट्री स्टेट रामलीला मैदान में 28 अप्रैल को पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। यहां पोलिंग पार्टियों को ईवीएम और वीवीपैट के साथ वाहनों से उनकी पोलिंग स्टेशन की तरफ रवाना किया जाएगा। जिला प्रशासन ने पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के लिए अपनी सभी इंतजाम और तैयारियां तेज कर दी हैं। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए बरेली कमिश्नर रणवीर प्रसाद और एडीजी अविनाश चंद्र यहां पहुंचे, जहां उन्होंने स्थल का जायजा लिया। अधिकारियों का कहना है कि पोलिंग पार्टी के लिए रवाना होने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य और दूसरी जरूरत की सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, जिसके लिए जिला स्तर के अधिकारियों को सभी जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो उसमें जो पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और उसके बाद जब वोटिंग होने के बाद जो ईवीएम जमा होगी, ये सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए हम ODI सब आए हैं। उसमें हम लोग जो पोलिंग पर्सनल हैं उनके वेलफेयर का को ध्यान में रखते हुए कि गर्मी का मौसम है, पानी की व्यवस्था हो, उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था हो और बिना कोई परेशानी के और समय से यहाँ से पार्टियाँ रवाना हो सके, उस सारी तैयारियों की हम लोगों ने समीक्षा की और जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने अच्छी तैयारियाँ की हैं और उसको उस दिन सही ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी।